बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सीहोर पहुंचे। यहां उन्होंने प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के समर्पण निधि अभियान का शुभारंभ किया। मीडिया से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार प्रगति कर रही है, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर फूट डालो राज करो की नीति पर काम करने का आरोप लगाया है। बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस काले धन के आसरे आगे बढ़ने वाली पार्टी है। भगवान सिद्धिविनायक के मंदिर से जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा बहुआयामी अभियान समर्पण निधि का आज यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। सीहोर के थूना स्थान पर एक बूथ पर जाकर के मैं इस अभियान की अभी शुरुआत करूंगा। उससे पहले भगवान सिद्धिविनायक का आशीर्वाद लिया है और भगवान से प्रार्थना की है अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने संगठन के लिए। भगवान हमको सुख समृद्धि और वैभव दे और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता हमारी मेहनत कर रहे हैं, बूथ विस्तारक योजना में पूरे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जो इतिहास बनाया, समर्पण निधि के अभियान में भी जो ठाकरे जी का एक ऐसा संकल्प है कि पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आजीवन सेवक निधि का कंसेप्ट दिया था कि अपने संगठन के बल पर अपने संगठन को आगे कैसे बढ़ाएं, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, तो ये समर्पण निधि का अभियान भी उसी दृष्टि से हम आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।